हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बड़ा सा तोरण अपने मेन गेट के लिए, और इसमें मैंने घर पे जो ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें हैं वो और कुछ चीज़ें मैंने बाहर से ली हैं जो कि बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कलर पैटर्न के मैंने ऑलरेडी मेरे पास फैब्रिक थे, तो इस तरीके से मैंने आयरन करके उनको रेडी कर लिया। और यहाँ पर मैं डिफरेंट प्लेसेस से इन सबको स्टिचिंग करके हॉट ग्लू गन से नहीं अच्छे से स्टिचिंग करके रेडी कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड में इस तरीके से ड्रॉ किए हैं और इनको मैं रेडी करूँगी फैब्रिक से कवर करके। इसको कवर करने के लिए आप चाहें तो मेरी तरह फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, बट इसके बाद मैंने यहाँ पे पेपर टेप से ज़्यादा इजी हो रहा था तो मैंने उससे रेडी किया है। सो मेरा बेस रेडी हो चुका है, ये कटआउट्स भी रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक के फ्लावर का, जो हमारी लड़ियाँ आती हैं वो आप चाहें तो ऑलरेडी अपने किसी पुराने उसका यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये मार्केट से स्पेशली इसके लिए परचेज़ किया है, जो कि मुझे हार्डली 120 समथिंग का पड़ा, क्योंकि इसके जो रोज़ और इसमें सब कुछ था, गजरे, बीट्स और जो फ्लावर मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसी से ही इन सबको मैं रेडी करूँगी। और ये स्वास्तिक और इस तरीके से शुभ लाभ आपको बहुत ईजीली मिल जाता है, तो इन सबसे अब हम इसको कम्प्लीटली रेडी करेंगे। भगवान जी में जो हम मालाएं चढ़ाते हैं वो हर बार हम लोग नया लेते हैं, तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, तो उन्हीं के जो बीट्स हैं वो सब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। जब मैंने यहाँ पे फ्लावर ऐड किया उसके बाद कुछ रेड मिसिंग लग रहा था, तो मैंने पिंक वाला लेस निकाल के यहाँ पे रेड लगा के रेडी किया, जो कि और सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो तोरण है काफ़ी ब्रॉड है जैसे कि आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए जो गजरे हैं उन्हीं में से एक एक निकाल के इस तरीके से हॉट ग्लू गन से इसको रेडी किया है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड की हेल्प से इसको बैक साइड से सपोर्ट दिया है ताकि लगाने में भी ईजी हो और वो बार बार ऐसे गिरे नहीं वाला उसका जो शेप है, क्योंकि हैवी है तो शेप बिगड़ सकता है और हर जगह नेल नहीं लगा सकते, सो मैंने इस तरीके से किया है। अगर आपके पास रिंग है तो बैक में आप रिंग लगा लें, नहीं तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने अपना तोरण कंप्लीट किया, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।